खड़ू साहब जिमनी चोण दे लई सुखबीर बादल ने उम्मीदवार दा कीता ऐलान। रविंदर सिंह ब्रह्मपुर होणगे अकाली दल दे उम्मीदवार। अपना रविंदर मैं लगता है भज रहे कांग्रेस ही भज रही है इलेक्शन लड़न के मैं कबूत लगे डर रहे। सो कोई मर्जी आए साडा काम फौजियों का काम है लड़ना। श्रोमणी अकाली दल की पूरी तैयारी है साढ़े वर्कर अच्छ उ आ जाएंगे मीटिंग साड़ी हैगी तैयारी करके साड़ी कैंपेन शुरू हो जूगी एंड पूरी उम्मीद है कि बहुत वड्डे मार्जिन इतिहासिक मार्जिन से खडूर साहब जिमनी चोणों के लिए प्रोग्राम जारी हो चुके हैं। अज तो दाखिल की जा रही ने नामजदगियां 28 जनवरी तक रहनगियां नामजदगियां जारी 30 तक नामजदगियां वापस लिया जा सकेंगी। खडूर साहब जिमनी चोण लैके बड़ी सरगर्मी अकाली दल प्रधान सुखबीर बादल ने जिमनी चोण लैके तरन तारण में बुलाई पार्टी के सीनियर आगुआ की बैठक अज तरन तारण विच ने सुखबीर बादल। उधर 2017 पंजाब विधानसभा चोणों के लिए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव कर सकते नवी पार्टी का ऐलान। सवराज लहर के सीनियर मैंबर प्रोफेसर मनजीत सिंह ने दिए संकेत। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने अज पहुंचे अमृतसर से श्री दरबार साहब में टेकिया मथा श्री अकाल तख्त साहब से भी जाके सीस निवाया। पठानकोट दहशतगर्दी हमले लैके हरिद्वार में फड़े गया एक शक्की तीन लिया गया हिरासत में। हरिद्वार में चल रहे अर्धकुंभ में दहशतगर्दी हमले की साजिश का खदशा। पंजाब च दहशतगर्दों की मौजूदगी के इनपुट तो बाद अलर्ट पैरामिलिट्री फोर्सिज की गुरदासपुर पठानकोट सरहद से होगी तैनाती। एनआईए वालों एसपी सलविंदर सिंह आज फिर हो सकता है लाइट डिटेक्टर टेस्ट। एनआईए दफ्तर पहुंच चुके हैं सबका एसपी सलविंदर सिंह। एनआईए सलविंदर सिंह के रसोई मदन गोपाल ते दरगाह के मुखी का भी करवा सकती है पॉलीग्राफी टेस्ट सूत्रों के हवाले तो खबर। पाकिस्तान ने मंगे पठानकोट हमले के सबूत। हमले के दोषियों खिलाफ हाले तक नहीं कोई कार्रवाई। एक दो दिन में भारत सौंपेगा जैश दियां करतूतों का काला चिट्ठा। मुख्यमंत्री बादल ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लिखी चिट्ठी। पनामा च लापता पंजाबी मूल के नौजवानों के मामले च निजी दखल की की मांग। गैरकानूनी तरीके ने राही अमेरिका जाने की कोशिश च लापता पंजाबी नौजवानों का हाल तक नहीं कोई थौ पता। कपूरथला पुलिस वालों इस मामले च फड़े दो ट्रैवल एजेंटा दो दिनों की पुलिस रिमांड से भेजा गया। कैथल के दो नौजवान सीडीएच ने लापता एक साल पहला गए सन लबनान। परिवार पुलिस अते सरकार तो कर रहे हैं मदद की अपील। पीएम मोदी ते रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर नूं आईएसआईएस दे नाम तो मिली धमकी। गोवा सरकार नूं भेजी धमकी भरी चिट्ठी विच आईएसआईएस दे दस्तखत। सारे थाणियां च पुलिस वालों अलर्ट जारी। पंजाब च सियासी मिशन फतेह करन निकली आम आदमी पार्टी नूं अपने ही मुअत्तल किते मैंबर पार्लीमेंट दे विरोध दा करना पै रिहा सामना। मैंबर पार्लीमेंट हरिंदर सिंह खालसा ने केजरीवाल ते तिखे शब्दी वार कीते। शिवलाल डोडा की अगाऊ जमानत से फैसला राखवा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के हुई सुनवाई। मुखजीत सिंह उर्फ मुख का परिवार अज भी कर रहे इंसाफ का इंतजार। अमृतसर के वेरका विच लंघे साल गैंगस्टर समझ के एनकाउंटर विच मारे गए सन अकाली आगू मुखजीत सिंह। चंडीगढ़ के सैक्टर 10 स्थित आर्ट कॉलेज विच ली कारबूजियर दियां 15 कुर्सियां ते एक टेबल चोरी। 24 जनवरी इस कॉलेज का दौरा करने वाले ने पीएम मोदी अते फ्रांस के राष्ट्रपति। मेवात तो हिरासत विच ले गए कासिफ नूं पुलिस ने किया रिहा। पुछगिछ के बाद पुलिस ने किया रिहा दहशतगर्द अब्दुल सामी दे नाल पुलिस ने फड़िया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों के सुरक्षा मुलाजमान विचाले हुए मुठभेड़। सुरक्षा दस्ते ने दोनों दहशतगर्दों किया ढेर। फतेहगढ़ साहब की सरहद पासों रोड नूं चौड़ा करन दा नीह पत्थर रखने लई कम टलिया। स्थानक विधायक ते साबका विधायक विचाले छिड़ी सी नाम लिखवाउण दी जंग।
नहीं रुक रही किसानों दी खुदकुशियां। मानसा के किसान मेजर सिंह ने की खुदकुशी, पिछले पांच दिनों इकले मानसा च ही तीन किसान कर चुके हैं खुदकुशी। पीएम मोदी 28 जनवरी को जान के मोगा, टूडी के लाला लाजपत राय जी के 150वें जन्म दिहाड़े मौके देंगे श्रद्धांजलि। पटियाला पुलिस ने लुटेरे गिरोह का किया पर्दाफाश, पांच मेंबर गिरफ्तार, तीन फरार, मुलजमान को हथियार हुए बरामद, एटीएम लुटने की फिराक में थी गैंग। गुड़गांव पुलिस ने मंदिर च हुई चोरी की वारदात सुलझाई, 25 मूर्तियां से 50,000 रुपए बरामद, तीन मुलजम गिरफ्तार, कई मुलजम फरार। सिरसा एनकाउंटर च मारे गए नौजवान के परिवार ने चुके सवाल, एनकाउंटर ने दसिया फर्जी, मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग, एनकाउंटर दौरान गिरफ्तार किए गए सन 6 नौजवान। सीएम खट्टर ने टोक्यो में सुजुकी मोटर्स के चेयरमैन और सीईओ ओसामू सुजुकी नाल की मुलाकात, सुजुकी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने मुख्यमंत्री खट्टर को दिया भरोसा, हरियाणा में हमेशा रहेगा सुजुकी मोटर्स। आईबी की इतलाह तो बाद अंबाला में हाई अलर्ट, 23 जनवरी तक देश के कई थावां पर बड़े दहशतगर्दी हमले करने का प्रगटाया खदशा, कोई भी शक्की वस्तु शख्स अते सरगर्मी दिखण से फॉरन पुलिस नूं इतलाह करन दी अपील। सूबा सरकार नूं घेरन दे लई बीजेपी की नवी रणनीति, आने वाली विधानसभा चोणां विच भ्रिष्टाचार, सीएम के खिलाफ सीबीआई जांच, शिमला च पीलिया ते स्मार्ट सिटी वर्गे मुद्दों नूं लैके बीजेपी सरकार नूं घेरेगी। पठानकोट दहशतगर्दी हमले तो बाद मार्च में होने वाले भारत पाकिस्तान 2020 मैच का विरोध जारी, बीजेपी के एमपी शांता कुमार ने किया खुल के विरोध, तो सीएम वीरभद्र ने दी बीसीसीआई को एक बार फिर सोचने की सलाह। हुण कुल्लू और बद्दी में खुलेगा महिला पुलिस थाना, पुलिस विभाग ने प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी, थाने में औरतों नाल संबंधित अपराधिक मामले होंगे दर्ज। शिमला च पीलिया की रोकथाम के लिए सख्त होया प्रशासन, डीसी ने होटल कारोबारियों के नाल की बैठक, सैलानियों से मुलाजमान की सुरक्षा के लिए दिए जरूरी निर्देश। शिमला च पीलिया के प्रकोप को देखते हुए गोलगप्पे और मोमोज की बिक्री से लगे बैन, रेहड़ी वाले नहीं बेच सकेंगे पानी वाली कोई भी चीज, जिला प्रशासन ने जारी किए हुक्म। शिमला सेहत विभाग के सर्वे में दुध के 60 में 28 सैंपल हुए फेल, हुण दुध बेचण वालों दे रजिस्ट्रेशन की योजना बना रहा विभाग, दुध में मिलावट रोकने के लिए चुके जा रहे कदम। उन्होंने अध्यापक ने 4 साल के विछड़े एक युवक एक नौजवान को परिवार ने मिलवाया, 2012 तो लापता से यूपी के जौनपुर का रहने वाला उमेश मिश्रा। लंबे इंतजार तो बाद शिमला में ताजा बर्फबारी खिड़े सैलानियों के चेहरे, कारोबारियों की भी उम्मीद जागी, सैलानियों की आमद को देखते हुए पीलिया को लेकर सख्त होया प्रशासन। दलित स्कॉलर रोहित के सुसाइड केस को लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी पहुंची एचआरडी मिनिस्ट्री की फैक्ट फाइंडिंग टीम को विरोध का करना पड़ा सामना, प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थी ने गो बैक दे लगाए नारे। हैदराबाद दलित विद्यार्थी के सुसाइड के विरोध में दिल्ली च विद्यार्थी जथेबंदियों ने मंगलवार को भी किया प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित मुड़ वसेबे की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन जम्मू तो लेकर दिल्ली तक हो रहा है, 19 जनवरी 1990 को दहशतवादी वजह नाल कश्मीरी पंडितों को घाटी तो पलायन करना पड़ा। पौंटा के मिनी सचिवालय में चोरी हुए आधार कार्ड बनाने वाला कंप्यूटर, चोरी की वारदात को अंजाम देने ना ताला टुटन ना ही किसी तरह का शीशा टुटन की खबर, पुलिस के चोरी के पिछे मुलाजमान के शामिल होने का शक। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के रेट इजाफा कर दिता, दिल्ली में वैट 25 तो वधा के 27% कर दिता गया, जिस नाल पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 53 पैसे फी लीटर महंगा हो चुका है। दिल्ली एनसीआर 2000 सीसी तो ज्यादा की डीजल गड्डियों की खरीद से रोक हटाने लैके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, महिंद्रा मर्सिडीज और टोयोटा ने मुड़ तो विचार करने की पटीशन दाखिल की।
शीला दीक्षित के कार्यकाल में बने विवादित BRT कोरीडोर तोड़न का काम मंगलवार तो शुरू हो गया। कोरीडोर तोड़न के लिए 22 मार्च की समय सीमा रखी गई है। इस उत्ते तकरीबन 12 करोड़ का खर्चा है। बिजली के रेट को लेकर अज केंद्र सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। अज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है जिस विच नवी पावर टैरिफ पॉलिसी पर चर्चा होगी। इस विच क्लीन एनर्जी पर जोर दिया गया। देसी GPS बनाने के होर नेड़े पहुंचा देश। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा तो PSLV की कामयाब लॉन्चिंग। SL ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने अपनी आत्मकथा में अपनी सफलता के राज आते खट्टे मिठे तजुर्बे तो वंडिया। प्रधानमंत्री निवास में अज PM करेंगे बुक नू लॉन्च। सोशल साइट ट्विटर मंगलवार को काफी देर तक बंद रही। लखां ट्विटर यूजर्स को इसकी वजह नाल परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्विटर के 10 साल के इतिहास में यह सब तो बड़ा ब्रेकडाउन से। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबॉल अपने पहले अमेरिकी दौरे उत्ते ने। ओबामा ने उन्होंने मुलाकात तो पहला कहा कि दोनों देशों विचाले काउंटर टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म इस्लामिक स्टेट नाल निजिठन लेके चर्चा हुई। कुछ खबर सिनेमा जगत तो यशराज कैंप के नाल अपने करियर की शुरुआत करने वाली अदाकारा परिणीति चोपड़ा धूम सीरीज के चौथे पार्ट यानी धूम 4 के हिस्सा बन चुकी है। धूम सीरीज तो विच पहला ईशा देओल ऐश्वर्या राय बच्चन बिपाशा बासु और कटरीना कैफ वर्गिया हीरोइना काम कर चुकी हैं। खबरों के मुताबिक एक्ट्रेस विद्या बालन ने वड्डी फिल्मों का हिस्सा बनने के लिए अपनी फीस 5 करोड़ तो 2 करोड़ कर दी है। विद्या बालन की आखिरी फिल्म हमारी अधूरी कहानी बॉक्स ऑफिस से कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थी। रैपर योयो हनी सिंह ने सुपरस्टार शाहरुख खान के नाल सैल्फी क्लिक की है और उसको सोशल मीडिया उत्ते पा के उन्होंने सारी अफवाहों दरकिनार कर दिता है। जिथे कहा जा रहा है कि शाहरुख और हनी सिंह हुण दोस्त नहीं रहे।